With me is the man who will be soon taming a tiger, and he's a foodie also. Kabir, welcome to Zoo. Thank you. Thanks a lot. How much of a foodie you are? I'm actually a big foodie. And to compensate for that, I sort of work out a lot. Okay. But otherwise, I'm a glutton. जी ये बताइए कौन खाना बनाता है किचन में किसका राज चलता है आपका या मैंने का? मैं मेरे को खाना बहुत पसंद है लेकिन पकाना तो मिनी को आता है शी इज अ ग्रेट कुक और वो अलग अलग किस्म के क्यूजींस पकाती हैं सो या शी सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूट्स टू मी ईटिंग अ लॉट जिस तरह की इंडस्ट्री में आप हैं आज से इंडस्ट्री के लिए आप काम करते हैं उसमें बहुत मुश्किल होता है कि अपनी टाइमिंग खाने के लिए पर्टिकुलरली वे में एडजस्ट कर पाना हो पाता है आपसे नहीं वो हो पाता है उसके बारे में बहुत पर्टिकुलर और मैं जब शूट करता हूँ तो मेरी यूनिट को भी पता है अगर मुझे खाना नहीं मिले तो आई लूज माय टेंपर तो खाना टाइम पे मिल जाता है मुझे और सारी यूनिट को कितनी बार टेंपर लूज करते हैं आप अगर लगते हैं आपको खाना नहीं देंगे तो फिर बहुत जल्दी मैं टेंपर लूज करता हूँ और अपने एक्टर्स को भी छूट देते हैं कि भाई जब जाना है किसी को बाहर जाना है खाने के लिए जाएं या जैसे भी खाने के लिए फुल छूट और वैसे भी आजकल मैं सलमान के साथ शूट कर रहा हूँ जो बहुत ही बड़े फूडी हैं तो जब यहाँ शूट कर रहे थे वो तो पूरे यूनिट के लिए खाना लाते थे घर से सो ही इज़ अ बिग फूडी एंड वी रियली एंजॉयड दैट जी जैसा आपने कहा कि आप सलमान के साथ शूट कर रहे हैं तो सलमान की जो सलमान को इंजरी हो रखी है या कहें फेस में जो उनका दिक्कत चल रही है इस वजह से कुछ शूटिंग में दिक्कतें आ रही हैं नहीं वो बीच में जो ट्रीटमेंट के लिए गए थे अमेरिका उसके बाद वो हमारे साथ शूटिंग के लिए आए थे आयरलैंड और टर्की में तो नाउ ही इज़ परफेक्टली ऑल राइट जी कहीं कभी कभी कहा गया कि आपको वेदर की वजह से परेशानी आ रही है कभी खान एक था टाइगर बना रहे पर वेदर कभी ख़राब हो रहा है कभी कुछ हो रहा है वेदर के साथ मेरा हमेशा एक एक्चुअली रिलेशनशिप रहा है क्योंकि मेरी फिल्में जो आपने काबुल एक्सप्रेस न्यूयॉर्क सब देखी सब ज़्यादा आउटडोर फिल्में होती हैं मैं सेट में शूट करना मुझे अच्छा नहीं लगता है तो वो एक रिस्क मेरी सब फिल्मों में होता है हाँ इस बारी भी कुछ जगह हम गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी तो अनएक्सपेक्टेड एक कोल्ड वेव आ गया था लेकिन आई थिंक दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम रिस्क की बात करें तो आप तो फिल्म मेकिंग में काफ़ी तरह के रिस्क जैसे अपने काबुल एक्सप्रेस बनाई थी बहुत ही अलग हटकर फिल्म थी जो और अब अगर एक दूसरे रिस्क की बात करें तो सलमान की जो फिल्में आई है बैक टू बैक सारी की सारी सुपर हिट्स रही हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर और दूसरी चीज़ ये कि सारी फिल्मों में एक अलग झलक थी एक्शन की एक झलक थी तो एक था टाइगर एक्सपेक्टेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग उसके लिए आतुर भी रहेंगे जी देखिए कोशिश कर रहे हैं कि जितना मतलब हमारी तरफ से जितनी अच्छी फिल्म बना सकते बना रहे हैं वी आर फॉर्चुनेट सलमान खान जैसे बहुत बड़े स्टार इस फिल्म में हैं और जिस किस्म की कहानी है एकता टाइगर उसमें आई थिंक ही इज़ द परफेक्ट कास्ट तो आई थिंक जब दोनों का मेल होगा आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस पर आप उस इमेज को तोड़ने की कोशिश करें मेरा सवाल ये था कि वो जो इमेज चली आ रही है कि एक एक्शन हीरो एक्शन पैक्ड हीरो है एक सुपर हीरो से भी ज़्यादा तेज एक्शन कर सकता है उस इमेज को तोड़ने की कोशिश नहीं आई डोंट थिंक मैं इमेज तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं फिल्म बना रहा हूँ अपने स्टाइल में और वो स्टाइल हाँ थोड़ा सा अलग स्टाइल है एज टू द लास्ट थ्री फिल्म सलमान लेकिन सलमान का मतलब सलमान इज सच अ पॉपुलर स्टार अब उनकी इमेज तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जस्ट ट्राइंग टू टेल अ स्टोरी इन अ स्लाइटली डिफरेंट मैनर और लेकिन आप जो है बाकी जो नज़रें हैं फैंस की नज़रें हैं कैमरेज हैं उनसे आप बच नहीं पा रहे उससे नहीं बच पा रहे सलमान के फैन से आप कहीं नहीं बच सकते किसी भी दुनिया के कोने में चले जाइए डबलिन में थे हम टर्की में थे हज़ारों आ जाते हैं और वो सिर्फ इंडियंस नहीं हैं आयरिश टर्किश अलग अलग नेशनैलिटीज के लोग हैं तो सलमान के फैन से बचना मुश्किल है ऑल ओवर जी 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 वो अनफॉर्चुनेटली वो इट्स बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर लाइफ क्योंकि वो अब एज यू नो सबके पास मोबाइल फ़ोन है सब मोबाइल फ़ोन में कैमरा है तो मतलब जहाँ भी आप जाएँ लोग खड़े हुए अपने कैमराज के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं वो दो मिनट में यूट्यूब पे आ जाता है वो एक प्रॉब्लम हो गया एक्चुअली फिल्मिंग के लिए जब हम बाहर फिल्म करते हैं लेकिन फॉर्चुनेटली यूट्यूब हमें अलाउ करता है वो वीडियोस को निकालना यूट्यूब से तो वो ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रहती है नहीं बिकॉज आई मीन इट्स अ ड्रीम टू वर्क विद सलमान खान तो बिल्कुल स्कैर्ड होने की तो बात ही नहीं है इट्स परफेक्ट फॉर द फिल्म ही इज़ परफेक्टली कास्ट And he's a great human being. He's a great person to work with. So, बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में. Okay, my last two questions. Any cameos, any special appearances, any item song in Ek Tha Tiger? Ek Tha Tiger में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन उसके बारे में आपको unfortunately मैं अभी नहीं बता सकता हूँ. Soon. मैंने सुना कि कटरीना कैफ और सलमान खान ने गोल्ड कॉइन्स गिफ्ट किए थे दिवाली के वक्त पर सही बात है हाँ ये सही बात है दोनों ने दिवाली के लिए पूरी यूनिट को गोल्ड कॉइन्स गिफ्ट करे आपको मिला कुछ का आई थिंक मुझे भी मिला था थैंक यू सो मच कबीर